अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग दोस्त खैरियत से होंगे। और लेके आऊँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। मैंने वीडियो बनाई थी जैपनीज शामू के बारे में मालूमात में, तो दोस्तों ने कमेंट किए थे, स्पेशली शाह साहब ने, मोहित शाह ने कमेंट किया था कि ब्लू पट्टे की, जर्मन पट्टे की भी वीडियो बना के शौक करवाएं हाथ में पकड़ के। तो आज आपको मैं बताने लगा हूँ कि जर्मन, मैंने आपको जैपनीज़ का बताया था, बताने लगा हूँ कि जर्मन शामू क्या चीज़ होती है और जर्मन शामू कहाँ से पहचाना जाता है। ठीक है, स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका फेस का शौक करें। माशाल्लाह जर्मन शामू है, लॉन्ग नेक, लॉन्ग हाइट में 7 मंथ का पड़ता है। ठीक है, और इसके फेस का फर्स्ट ऑफ ऑल आप शौक करें। ठीक है, ईगल फेस में है माशाल्लाह, ये भाई शौक करें, ईगल फेस में है माशाल्लाह ये चीज़। ठीक है, और उसके बाद आप इसकी हाइट देखें, ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसकी हाइट है, तमाम भाई इसका शौक करें आप। जर्मन की सबसे बड़ी बात जो होती है वो लॉन्ग हाइटेड होता है और कंधों में होता है, कंधे उसके उभरे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से और इस तरह बाहर होते हैं, बाहर को और बॉडी से ऊपर होते हैं। ठीक है, और ये परिंदा एक डेकोरेशन पीस होता है। आजकल उस्ताद लोग जो होते हैं वो बाज़ार में जो बैठे होते हैं अपनी चीज़ें सेल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, वो जैपनीज़ बना के सेल करते हैं जर्मन को कि ये फाइटर शामू है, ये वो है। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे से जैपनीज शामू के मुकाबले में जर्मन शामू लड़ नहीं सकता, क्योंकि ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज़ इसकी हाइट ज़्यादा होती है। और जब ये पंख इसके, कंधे इसके बाहर को होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैपनीज शामू के कंधे अंदर को होते हैं और ऊपर को होते हैं, वो हल्के होते हैं, वो उड़ सकता है फाइट के दौरान। ठीक है, और ये इसके कंधे होते हैं बाहर को, तो खैर इसके कंधे होते हैं बाहर को इस तरह। ठीक है, इस तरह से होते हैं और बड़े हैवी कंधे होते हैं। अभी ये पट्टा है, अभी से ये इतना माशाल्लाह इसमें है, जोपन में है, लेकिन ये बाद में बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा ना। तो इसके कंधे जो हैवी होते हैं उस तरह से ये लड़ चढ़ नहीं सकता, और हाइट भी इसकी ज़्यादा होती है, टांगों पे भी ये इस तरह प्रॉपर खड़ा नहीं हो सकता। ये डेकोरेशन पीस होता है, गुस्से का बड़ा तेज़ होता है लेकिन लड़ने में ये नहीं होता। ठीक है, और इसके बाद इसकी दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले बताया कि इसकी हाइट ज़्यादा होती है, गर्दन लंबी होती है। उसके बाद इसकी दूसरी चीज़ जो है वो कंधे इसके उभरे हुए होते हैं। ठीक है, तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कंधे इसके उभरे हुए होते हैं, ऊपर को मैं छोड़ के तो आपको शौक करवाऊँगा उसका। और तीसरे नंबर पर इसके जोड़ होते हैं खुले, ये खुले जोड़ का पट्टा होता है, खुले जोड़ का ये मुर्गा होता है। ठीक है, इसके जोड़ खुले होते हैं, मज़बूत जोड़ में नहीं होता, ये डेकोरेशन होते हैं इस वजह से। और उसके बाद इसकी हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, और टांगें इसकी मज़बूत ही होती हैं, लेकिन उस तरह की खास मज़बूती, हल्का सा ये कहीं पे लगता है ना, अगर तगड़ा वार इस पर लग जाता है तो इसका खून आने लग जाते हैं, उठने लग जाती हैं, इसके पैर इतने वो मज़बूत नहीं है, देखो इतने ख़ास नहीं होते ये। ठीक है, जो सच बात है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यह नहीं है कि कहीं सही बातें करता हूँ, ये मेरा पर्सनल तजर्बा है। ठीक है, और वैसे माशाल्लाह डेकोरेशन के हिसाब से जर्मन के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही प्यारी चीज़ होती है ये। अभी क्रीज पे है टोटली, ये देखें इसका दुम शुम नहीं है, टोटल ख़त्म है इसका दुम, इसके पंख भी पूरे नहीं है। ठीक है, और इसके आप नलियों का शौक करें, माशाल्लाह इसकी नलियाँ काफ़ी मोटी हैं और लेकिन उस तरह मज़बूती में नहीं है जैसे जैपनीज़ की होती है। अब जैसे इतना क्रीज पे है ना ये, इसको मैं थोड़ा सा पकड़ रहा हूँ, इसके सारे पंख नीचे गिर रहे हैं। और मोहित भाई ये चीज़ है, ठीक है, ये पट्टा है आपके सामने, माशाल्लाह फुल लॉन्ग हाइटेड, ये देखें कंधे शंधे भी इसके आप शौक करें, और ब्लू पट्टा है फेस का शौक भी कर लें आप। ठीक है, इसकी नलियों का शौक भी कर लें, इसकी नलियाँ, ये इसकी हाइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।
दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकअल्लाह खैर। ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ माशाल्लाह। Thank you.